मजबूत होगा क्योंकि मामला आमने सामने का। नहीं, ओवैसी का वोट बैंक नहीं समझे, ओवैसी का क्या वोट बैंक है? मुस्लिम वोट बैंक नहीं, गलत बात है ना। उस तरह से पहले बार कितने बार ओवैसी आ चुके हैं, आए नहीं थे क्या मांडर में? रिजल्ट क्या हुआ? तो ये बल्कि ये है कि जहां वो नहीं पहुंचते हैं तब थोड़ा बहुत नुकसान हो जाता है, जैसे रामगढ़ के चुनाव में वो नहीं आए, तो अब चुनाव में फिर आ रहे हैं, फिर लाभ होगा हमको निश्चित रूप से। जो जिस तरह की वो काम में लगे रहते हैं वो अब लोग जानते हैं, और लोग जब जानते हैं तो उसको बहुत बताने की जरूरत नहीं है। अपना काम है, राजनीतिक पार्टी है तो अपना काम करें, उससे कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं। जेएमएम लगातार बाबूलाल पे सवाल उठा रही है, जबकि बीजेपी की ओर से कि सरकार उनकी है और सरकार आप लोगों की है, तो जांच क्यों नहीं करा लेते और कार्रवाई? बाबूलाल जी को ये उस टाइम तो खैर हम लोगों के साथ थे इसलिए उनको उतना पता नहीं होगा। बाबूलाल जी जब लगातार बोलते थे मुख्यमंत्री जी के बारे में, और मुख्यमंत्री जो रघुवर दास थे वो माननीय मुख्यमंत्री जो अब के हैं उनके बारे में बोलते थे, तो क्यों नहीं जांच करा लिया? तो अभी बाबूलाल जी नया नया बने हैं तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ बयान देके सुर्खियों में बने रहना चाहते हैं, उनको बने रहना चाहिए, अपना काम मुस्तैदी से करना चाहिए। संकल्प यात्रा में निकले हैं और उनके पास कोई विकल्प था भी नहीं एस्टेब्लिश होने के लिए, अपना काम कर रहे हैं। उससे कहिए संथाल प्रगना क्या मजबूत कर पाएंगे? ये तो संथाल प्रगना के लोग बताएंगे बेहतर कि क्या संकल्प यात्रा की हालत थी। खुद भारतीय जनता पार्टी के लोग चर्चा कर रहे हैं, ये कोई हम लोग नहीं, भारतीय जनता पार्टी के लोग चर्चा कर रहे हैं कि क्या क्या सोच करके नेतृत्व दिया गया है, कि संथाल में भी अगर वो जमीन नहीं दिखाई दे रही है तो फिर जमीन दिखाई कहाँ देंगे। नहीं, सुना तो है कि कल रात में और ज्यादा पसीना बहाना पड़ा, जब वो कहीं दौरा कर रहे थे तो जिस तरह से लोगों ने उनको पकड़ने की कोशिश की और जिस तरह से उनको आगे बढ़ करके चलना पड़ा, उसमें काफी पसीना छूटा है। और हम समझते हैं कि सुदेश महतो जी संजीदा व्यक्ति हैं और समझदार व्यक्ति हैं, तो मेहनत भी उतना ही करना चाहिए जिसमें पसीना भी बचा रहे, इज्जत भी बची रहे। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।